सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शेफर और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मेरा नाम है शेफर और मेरे चैनल का नाम है सिंपल लिविंग विद शेफर। और अभी आपने मेरा जो लास्ट वीडियो देखा है वो है मेरा सिख रूटीन और शाम को डिनर को मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हस्बैंड शाम को ऑफिस से आ रहे थे तो उन्होंने चिकन लाया है, तो मैं किस तरह उसे झटपट बनाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो उसे बनाना तो है तो मुझे झटपट बनाना था, तो मैं किस तरह बनाऊंगी बस तो कुछ इंग्रेडिएंट, दो तीन इंग्रेडिएंट्स से वो बहुत आसानी से बन जाता है और काफ़ी टेस्टी बनता है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो चिकन स्टू बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है, मैंने बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है, तो उसके लिए मैंने लिया है 3 प्याज, 2 इंच अदरक और 10 से 12 कलियां लहसुन, 2 लाल मिर्च और ये तेज़पत्ता। और गरम मसाला को मैं इसमें कूटूंगी, तो सिर्फ कूट के, हल्का कूट के मैं डालूंगी, तो उसके लिए मैंने लिया है कार्डमम और ब्लैक पेपर, सिनेमन और ये है, इसको कहते हैं, इसका नाम मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है, आप लोग समझ सकते होंगे, इसको पत्री करके कुछ कहते हैं इसे। और ये है दालचीनी, तो आपने बताया ही, लौंग है 4-5 लौंग है और बड़ी इलायची मैंने लिया है बिल्कुल आधा से, एक टुकड़ा लिया, एक बड़ा में थोड़ा सा मैंने काटा है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं। इसको मैं इसमें डाल के कूट लूँगी और यहाँ में मेरे पास आधा किलो चिकन है जिसे मैंने धो के रखा है और बस इतना ही है जो मुझे चाहिए। तो ये देखिए मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया है और इसी में मैंने सारा गरम मसाला भी कूट के तैयार कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा क्रश किया है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैं चिकन जो बनाऊंगी वो मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, तो मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा तेल ज्यादा ही लगेगा और मैंने सारे प्याज को स्लाइस मैं काट लिया है। कूटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट, कूट के बनाने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, खुशबू उसकी अच्छी आती है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है। इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छे से मिला लीजिए, मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि ये पानी खुद ब खुद चिकन छोड़ेगा, क्योंकि उसमें जो मैंने वॉश किया है वो पानी अपने आप चिकन को गलने में मदद करेगा। इस तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए और ये जो गरम मसाला है कूट के रखा है ये इसके गलने के बाद मैं इसमें डालूंगी
और इसे ढक के गलने तक ढक के छोड़ दीजिए। तो ये देखिए चिकन के चारों तरफ तेल छोड़ दिया है और चिकन भी लगभग गल चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ये। और उसके बाद यूँ ये गरम मसाला मैंने कूट के रखा था, उसे अब मैं डाल दूँगी। लास्ट में डालने से ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे मिला दीजिए। ये गल चुका है और अब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ कि ये पाक के चल रहे, इससे मालूम हो जाता है कि ये गल चुका है। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट छोड़ दूँगी और फ्लेम भी ऑफ कर दूँगी। तो ये देखिए आपका चिकन रेडी हो गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में। जो गरम मसाला मैंने ऊपर से डाला है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसको हल्का सा गार्निश कर दीजिए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल, इजी और झटपट बनने वाला चिकन है, इसे चिकन स्टू कहते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।